लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मदरसे में छुट्टी शुक्रवार और रविवार की, इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है और मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली पर इफ्तिकार जावेद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि रविवार की छुट्टी का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, बोर्ड सदस्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इफ्तार खान ने मदरसा बोर्ड सदस्य कमर अली पर तंज कसा है और कहा है कि रविवार को छुट्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है और बोर्ड सदस्य कमर अली को इलाज की जरूरत है, यहां तक कह दिया इफ्तिकार ने। और परंपरागत तरीके से मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी जारी रहेगी। आपको बता दें कि मदरसा में जो जिस तरह से रविवार और शुक्रवार को छुट्टी का मामला तूल पकड़ रहा था, अब इस पर मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली पर इफ्तिकार जावेद ने तंज कसा है और कहा है कि उनकी दिमागी हालत तो ठीक नहीं है, इलाज की ज़रूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रविवार को छुट्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। मंत्री से भी बात करूंगा किस तरह की चीजें कर रहे हैं, मंत्री से भी बात करूंगा किस तरह की चीजें कर रहे हैं। बार बार आप लोगों का नाम लेते हैं, काम करने में असहजता किसकी पैदा हो रही है, काम करने में दुश्वारी आ रही है, मिनट मिनट में इस तरह की चीजें करना, मौलानाओं के बीच में, आलिमों के बीच में, मदरसों के बीच में इस तरह की छवि बिगड़ रही है मदरसा बोर्ड की, क्योंकि शुक्रवार की छुट्टी होती आई है, वो होती रहेगी, हमेशा होगी, इसमें किसी किस्म का बदलाव नहीं होने वाला। ये कहां से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर इफ्तिकार ने क्या कुछ कहा आपने सुना। और उन्होंने कहा है कि मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव नहीं है, जिस तरह से छुट्टी शुक्रवार की थी परंपरागत तरीके से उसी तरह आगे भी जारी रहेगी।